हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी समर ड्रिंक की रेसिपी जिसका नाम है मसाला छाछ। इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हमने बनाकर तैयार किया है। अगर आप भी इस तरह से छाछ घर में बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, एकदम यूनिक बनेगा। और इसको पीकर, सिर्फ इसका एक ग्लास रोज अगर आप पियेंगे ना तो आप बिल्कुल ताजगी स्फूर्ति से भर जाएंगे। और अगर आपको कमजोरी थकान वगैरह बनी रहती है तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कैसे बना सकते बहुत ही टेस्टी सा मसाला छाछ, या फिर यूं कहें कि नमकीन लस्सी। आइए शुरू करते हैं रेसिपी। तो इस छाछ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी होगी प्याज के साथ। प्याज आप सभी जानते हैं लू से हमें बचाती है, गर्मियों से, गर्मी लगने में हमें हेल्प करती है, हमें हाइड्रेट रखती है और हमें अंदर से गर्म नहीं होने देती। इसकी तासीर काफी ठंडी होती है तो हमारे ब्लड को भी ये काफी ठंडा रखती है। साथ ही यहाँ पर हमने दो हरी मिर्च काट कर डाल दी और थोड़े से पुदीने के पत्ते भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये एक तो हमारे ड्रिंक को फ्रेशनेस भी देंगे, साथ ही पेट को ठंडा रखेंगे। और जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके वर्क करते हैं, ऑफिस जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं। बच्चे जैसे लौट के स्कूल से आते हैं तो आप उनको ये ड्रिंक दे दीजिए, या फिर अगर आप भी ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस से लौट कर आप इसको पी सकते हैं। तो ये देखिए पुदीने के पत्ते भी हमने डाल दिए, साथ ही यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब हमने हरे धनिए की पत्ती भी डाली है काटकर। तो इन सारी चीजों में ना थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, लगभग 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ऐड किया है। और सारी चीजों को हाथों से ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर प्याज में नमक को हम जब मिक्स कर देंगे और इसको लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ऐसा करने से प्याज थोड़ा सा ना अपना एक पानी सा छोड़ेगा और उसके बाद जब इससे आप लबान बनाएंगे, ड्रिंक बनाएंगे, छाछ बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। जी हाँ, यहाँ पर छाछ को लेबान भी बोलते हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो छाछ होता है उसको लेबान बोला जाता है, तो इसलिए मैंने भी इसको लेबान बोला। यहाँ पर देखिए फिटा हुआ दही मैं ऐड कर रही हूँ, लगभग 400 ग्राम के करीब दही है। इसको हमने फेट लिया था और वो हमने डाल दिया। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे तो लगभग 300 ml के करीब आपको पानी ऐड करना है। अगर आप ज्यादा पतला छाछ पीते हैं, ज्यादा पतला लेबान पीते हैं तो आप इसमें लगभग इक्वल क्वांटिटीज में, दही की इक्वल क्वांटिटीज में ही पानी डाल सकते हैं। जैसे 400 ml अगर आपने दही लिया है तो 400 ml ही आप पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से डाल लीजिएगा। यहाँ पर एक बड़े साइज की प्याज को चॉपर में चॉप करके मैंने ऐड किया है। आप प्याज की क्वांटिटी कम कर सकते हैं या फिर जो लोग प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छे से पानी को हमने मिक्स कर लिया है। अब एक तड़का हम बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर एक तड़का पैन में हमने लिया है लगभग 1 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल। आप भी सरसों के तेल का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप कोई भी कुकिंग ऑयल फिर ले सकते हैं अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो। यहाँ पर देखिए 1/2 टीस्पून के करीब हमने इसमें सरसों के दाने ऐड कर दिए। आप राई, सरसों कुछ भी ले सकते हैं। और जब यहाँ पर हमारी सरसों चटकने लगेगी तब इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे, यानी कि जीरा भी डाल देंगे। सारी चीजें अच्छे से स्प्लटर जब होने लगेगी तब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से करी पत्ते। साथ ही यहाँ पर सूखी लाल मिर्च भी हमें ऐड करनी है, तो 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें भी ऐड कर दी। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और एक स्मोकी सा फ्लेवर मिलता है छाछ को। तो थोड़े से करी पत्ते भी हमने डाल दिए। इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आती है, बहुत ही मजा आता है पीने में। अगर ठंडा ठंडा आप इसको पियेंगे ना, इस छाछ को, इस लेबान को, नमकीन लस्सी को, तो मजा आ जाएगा आपको पीकर। तो ये देखिए तड़का बनकर तैयार है, इसको हम यहाँ पर छाछ में डाल देंगे। तो तड़का अगर आप लगाकर पियेंगे तो आपको और भी टेस्टी लगेगा, पर अगर आप बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप तड़का नहीं लगाना चाहते तो या तो आप कम तेल में लगा सकते हैं या फिर टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने तड़का लगा लिया है। तड़के को अच्छे से छाछ में मिक्स कर लेते हैं और बस। अब आप इसको चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में इसको 1 घंटे के लिए रख दीजिए और उसके बाद निकाल कर इसको ठंडा ठंडा आप सर्व कीजिए। अगर गर्मियों के सीजन में रोज सुबह अगर आप 1 ग्लास भी पीकर बाहर निकल जाएंगे ना, फिर आप देखिएगा आपका पूरा दिन बहुत ही ज्यादा ताजगी से भरा रहेगा। और अगर आपको थकान, सुस्ती ये सब बनी रहती है तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। साथ ही आपके पेट को बहुत ठंडा रखेगा। तो अगर आपको लू लगने की प्रॉब्लम है या फिर आपको अगर बहुत गर्मी लगती है तो गर्मियों के सीजन में आपको बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। तो देखिए कैल्शियम से भरपूर हमारा ये ड्रिंक, समर ड्रिंक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो फटाफट से बना डालिए क्योंकि दही सभी के घर में होता है, नहीं है तो मार्केट जाइए फटाफट से खरीद लीजिए। पानी मिलाइए, थोड़ा सा प्याज डालिए, हरी मिर्च डालिए, हरा धनिया डालिए, तड़का लगाइए, नमक डालिए और बस आपका ये ड्रिंक बनकर तैयार है।
तो कैसी लगी आपको मेरी ये नमकीन लस्सी की रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया भी डाल दीजिए ताकि देखने में भी सुंदर लगे। हल्की सी लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने इस तरह से डाल दिया है, आप स्किप कर सकते हैं, ना भी डाले तब भी चलेगा, पर मैंने इसको और सुंदर बनाने के लिए इस तरह से किया है। तो आप भी घर में बनाइए ये छाछ की रेसिपी, और उसके बाद बनाने के बाद मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।